लखनऊ की मिस्ट्री पिच ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टक्कर। जी हां, बहुत स्वागत है आपका खेल कड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। वर्ल्ड कप 2023 के 10वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच टक्कर होगा, यानी कि यह मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें, आईपीएल 2023 के बाद इस पिच को नए सिरे से तैयार किया गया है। ऐसे में इस मिस्ट्री पिच का मिजाज कैसा रहेगा या काफी हद तक मैच के दौरान साफ हो जाएगा। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच हार चुकी है, जबकि साउथ अफ्रीका वनडे वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाने के बाद एक बार फिर एक्शन में नजर आएगी। ऐसे में इन दोनों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन इस बार इकाना के पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मदद कर सकती है या गेंदबाजों का साथ देगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अगर बात की जाए लखनऊ की पिच का, तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पिच अपनी धीमी गति के लिए जानी जाती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए गेंद को उसकी लाइन में मारना मुश्किल हो जाता है। यानी कि तेज गेंदबाज सिर्फ स्पीड पर ध्यान देने की बजाय अगर गेंदबाजी में मिश्रण करे तो विकेट से ज्यादा फायदा मिल सकता है। या पिच पहली पारी के शुरुआत में बल्लेबाजों को भी काफी मदद करती है। यानी कि अगर बात करें, वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले इकाना की पिच पर काम किया गया। ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा इस बार पिच कैसे हरकत करती है। वहीं अगर बात की जाए इकाना क्रिकेट स्टेडियम के आंकड़े की, तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम में अभी तक 4 वनडे मैच खेले गए हैं। इस दौरान इस मैदान पर वनडे में सबसे बड़े स्कोर वेस्टइंडीज के नाम है। वेस्टइंडीज ने साल 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ 253 रन बनाए थे। वहीं साउथ अफ्रीका का इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 249 रन है, यानी कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। बता दें, इन 4 मैचों में जो टीम पहले बल्लेबाजी करने आई उसको 2 बार जीत मिली और 2 बार गेंदबाजी करने वाली टीम को भी जीत मिली, यानी कि दोनों आंकड़े बराबर हैं, चाहे आप पहले बल्लेबाजी करें चाहे आप पहले गेंदबाजी करें। वहीं अगर बात की जाए दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच अभी तक 108 वनडे मैच खेले गए हैं। इनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 50 मैच जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका ने 54 मैचों में जीत दर्ज की है। 1 मैच का परिणाम नहीं निकला और 3 मैच टाई रहे। बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कि आंकड़ों में भी अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो साउथ अफ्रीका का पलड़ा काफी भारी है। लेकिन जिस तरीके से इस समय हम चाहे बात करें राशि वैन डे डुसेन की या क्विंटन डिकॉक की, या फिर बात कर लें वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले एडन मार्करम की, इनके तीनों बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में हैं। तीनों बल्लेबाजों ने अपने पहले वर्ल्ड कप के मैच में शतक लगाया था, यानी कि राशि वैन डे डुसेन, क्विंटन डिकॉक और एडन मार्करम पूरे इस समय अच्छे फॉर्म में हैं और उन्होंने अपने पहले मुकाबले में जितनी भी टीमें हैं यानी कि 9 टीमों को यह संदेश दिया कि बाबू हम भी फेवरेट में आ रहे हैं और हम भी वर्ल्ड कप जीतने के प्रबल दावेदार हैं। वहीं अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो स्टीवन स्मिथ, मार्नस लबसेन, मिच मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कागजों में तो काफी मजबूत दिखाई देती है, लेकिन जिस तरीके से पहला मैच अपना भारत के सामने वो गंवाती है, मात्र 199 रनों पर वो टीम ऑल आउट हो जाती है। उनके 10 प्लेयर में ऐसा एक प्लेयर कोई नहीं निकला, चाहे स्टीवन स्मिथ हो, चाहे मार्नस लबसेन हो, मिच मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिक या आक्रामक डेविड वार्नर, किसी भी बल्लेबाज ने एक अर्धशतक नहीं लगाया और उसका खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि पूरी टीम 199 रनों पर ऑल आउट हो गई। अब ऐसे में आज ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आज जो मुकाबला 2 बजे से यानी कि कुछ देर में शुरू होगा, इस मुकाबले को कौन अपने नाम करता है। फिलहाल खेल के अड्डा में इतना ही। वर्ल्ड कप की पल पल की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।